नमस्कार, यह है रोलैंड XPS 30 और आज इस कीबोर्ड में हम सारंगी, जो हम इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक की तरह भी उसको प्ले करते हैं, कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी उसका उपयोग किया गया है। रोलैंड XPS 30 कीबोर्ड में अगर आपके पास एशिया या फिर वर्ल्ड लाइब्रेरी में अगर आपके पास एशियन साउंड्स होंगे तभी आप ये साउंड डेवलप कर पाएंगे। जूनो DS कीबोर्ड में आप वेरीफाई कर सकते हैं कि अभी मैं आपको यहाँ से जो साउंड दिखाऊंगा वो अगर आपके कीबोर्ड में है तो फिर आप उसको डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि मुझे प्लेइंग नहीं आता है, लेकिन ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको उस साउंड को थोड़ा हल्का सा टेक्सचर आप तक मैं पहुंचाऊं। और आप सब जानते हैं कि मुझे प्लेइंग नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। और ये साउंड का फिल अगर आपको ठीक लगे तो आप आपके कीबोर्ड में उसको डेवलप कर सकते हैं। अब ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है तो शायद आपको ये एग्जैक्ट उस साउंड का फील मिल रहा है कि नहीं, अब मैं उसके लिए श्योर नहीं हूं, लेकिन अगर आपको ये साउंड ठीक लगता है तो आइए मैं आपको इसके पैरामीटर्स आपके साथ शेयर करता हूं, या फिर कौन से साउंड को लेकर के हम ये साउंड बनाते हैं। तो ये है अपने कीबोर्ड का डिस्प्ले, और वैसे तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स मैं अभी तक आपको दिखा चुका हूं, इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि जितना हो सके उतना स्क्रीन आप देख पाए। मेनू के लिए तो फ्रेंड्स आप सब जानते ही है। और अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो साउंड है उसको एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा हल्का सा अब ये साउंड अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड में वर्ल्ड सेक्शन में 237 नंबर SOR1 ये साउंड है। ये साउंड में से हम सारंगी का साउंड बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी ये जो साउंड है उस साउंड को मैं बिल्कुल पहले तो न्यूट्रल कर देता हूं। ये हो गया 237 नंबर, ये रेगुलर साउंड। अब ये साउंड को हम डेवलप उसको एडिट करेंगे। इसके लिए मेनू प्रेस करने के बाद पैच एडिट में सबसे पहले आप क्योंकि अभी हम यहां पर ये जो काम कर रहे हैं ये अपना एक प्रीसेट साउंड है, इसको सबसे पहले हम 127 कर देंगे। फिर इसके बाद में एनालॉग फील है, उसको आप चाहे तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये सारंगी टाइप के साउंड के लिए थोड़ा एनालॉग फील ज्यादा रहेगा तो अच्छा है। इसके बाद में रिलीज टाइम आप थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये ज्यादा नहीं रख सकते, इसको 5 या उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। वेलोसिटी सेंस ऑफसेट उसको हम कम कर देंगे, क्योंकि ये सारंगी का साउंड के लिए हमें वेलोसिटी कम चाहिए। अब इसके बाद में हम सब पॉलीफोनिक है उसको मोनोफोनिक कर देंगे। इसके बाद में लेगाटो स्विच ऑन रखना है, लेगाटो रिट्रिगर भी ऑन कर देंगे, पोर्टामेंटो स्विच भी ऑन रखेंगे, और इसके बाद में पोर्टामेंटो टाइप है उसको हम पोर्टामेंटो है उसको लेगाटो कर देंगे। इसको रेट रखना है, फिर पिच है उसको हम नोट कर देंगे, और यहां पर हमारा जो ये पोर्टामेंटो टाइम 20 है अभी फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ते हैं, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर दो साउंड से ऑलरेडी ये साउंड बना हुआ है, जैसे हम ये साउंड को ऑफ कर एक सर्टेन वेलोसिटी पर ये साउंड है, तीन नंबर का साउंड भी है और दो नंबर।
अब हम क्या करेंगे, एक नंबर पर एक वायोलिन का साउंड ऐड करते हैं, और वायोलिन का साउंड है फ्रेंड्स, मैंने जो पहले चेक किया था वो मुझे 432 नंबर का साउंड है, वो वायोलिन का मुझे थोड़ा अच्छा लगा। ये हमारा वायोलिन का साउंड अभी यहां, अब चारों साउंड को ऑन कर देते हैं। अब हम इससे ज्यादा इसके अंदर सिर्फ ये करेंगे कि अगर कोई भी एक साउंड का अब पिच थोड़ा है उसको फाइन ट्यून थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि सारंगी का साउंड वैसे हम सुनते हैं तो उसमें थोड़ा हमें एक अलग टाइप का साउंड सुन मिलता है। अब इसके बाद में हम इफेक्ट में फ्रेंड्स, यहां पर अगर आप देखते हैं तो MFX और उसमें रिवर्ब है। अब रिवर्ब का टाइम अगर आप यहां से बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, फ्रेंड्स ये अभी ना हम कोई पिच बेंडर का यूज कर रहे हैं, ना ही हम इसके ऊपर कोई अलग से कुछ कर रहे हैं, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कीज। जब प्लेयर अपने स्ट्रिंग्स के ऊपर बो को जब उसको घसीटते हैं तब ये साउंड आती है। अभी आपका ऑलमोस्ट साउंड रेडी है, उसको राइट करना है तो यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड पर ये स्विच है राइट, उसको आप यहाँ से जो नाम लिखा है सौर उसको चाहे तो आप सारंगी कर सकते हैं, या जो आप आपका नाम देना चाहे उसको यहाँ से दे दीजिए। फ्रेंड्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो नए यूजर हैं उनके लिए ये इशू होता है कि साउंड को राइट कैसे करते हैं, SARNGI। और इसको आप फिर एंटर दे दीजिए, और जहां पर भी आपके कीबोर्ड में एम्प्टी जगह है, जहां पर खाली स्पेस है, जैसे यहां पर 474 नंबर पर मैं इसको राइट कर रहा हूं, तो अभी ये अपना साउंड ऑलमोस्ट वर्ल्ड सेक्शन में 474 नंबर पर सारंगी का साउंड अपना राइट हो चुका है। बस कुछ ऐसा है फ्रेंड्स, आप भी आपके कीबोर्ड में, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, वर्ल्ड सेक्शन में आपको हमेशा चेक करना है, और यहाँ पर से 234 नंबर का साउंड था, ये प्रीसेट साउंड होते हैं, ये है 237 नंबर, ये प्रीसेट साउंड था, इसी को डेवलप किया है हमने। और अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जूनो DS सीरीज के कीबोर्ड में आपको चेक करना है, ये सब इंडियन या फिर ये सब कंट्री साउंड उसमें नहीं होगा एथनिक सेक्शन में, तो ये साउंड डेवलप करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाकी के ये जितने भी कैटेगरी हैं इन किसी भी कैटेगरी में ये इस टाइप के साउंड नहीं है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी, इसको लेकर के अगर आपके कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा, आने वाले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।